तो स्वागत है तुम लोगों का एक और नई वीडियो में। और आज कुछ गेम प्ले नहीं होगा, आज एक डिवाइस अनलॉक होगा जिससे हम गेम प्ले कर पाएंगे। तो आ चुका है मेरे पास पार्सल, दिख रहा है, पता नहीं कहाँ है, मतलब हु नोस राइट। आओ अनबॉक्सिंग करते हैं इसका, कैसे करेंगे ये। रुक जाओ, मेरे पास कातर तो थी, मतलब सीजर्स। वी हैव फाइनली गॉट अ सीजर और आज हम करेंगे अनबॉक्सिंग। ओके 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 ठीक है, बहुत ज़्यादा अंदर चला जाएगा तो बॉक्स कट जाएगा, तो वो हम नहीं करेंगे। तुम लोग देख नहीं पा रहे होगे, अगर देख पा रहे होगे तो पता नहीं मुझे मैंने कैसे कैमरा सेटअप किया है, पर हियर इट इज आ चुका है हमारा रियलमी नार्जो 17 टर्बो। ये रिवर्स में दिखेगा पता नहीं। और आ चुका है हमारे पास अपना डिवाइस गाइस, तो अब इस पे होगा वैलोरेंट मोबाइल का गेम प्ले। सारी गेम इस पे खेली जाएगी अब, ठीक है। और ये हमारा मैंडेटरी फर्स्ट डिवाइस रहेगा, फाइनली ओपन हो चुका है, ठीक है। और आ रहा है हमारे सामने, ये एकदम सही एक्सपीरियंस है। बॉक्स इधर आ चुका है और हमारे साथ है, पहले लिखा है मेक इट रियल, ठीक है, ये आ चुका है। और इसमें पीछे लिखा है हेलो वेलकम टू रियल मी फैमिली, थैंक यू। और देखते हैं इसमें कौन सा कंटेंट है भाई, मतलब इसमें है, ओ कूल, हमारे पास एक केस आ चुका है, ये हमारा हमारा बाय डिफॉल्ट जो केस आता है, प्लास्टिक केस जो सारे फोन्स देते हैं, वो है हमारे पास नार्जो का। एंड ये हमारे पास सिम इजेक्टर टूल आ चुका है, आई रियली नीड दिस वन, थैंक यू। और कुछ डॉक्यूमेंटेशन है जो हम कभी पढ़ते नहीं है, ध्यान रखते हैं चीज़ों को। और कुछ है कि नहीं पता नहीं, ये नहीं है, ये खाली है, ठीक है। एंड वी हैव आवर किंग हियर, रियल मी नार्जो 17 टर्बो प्रो, ठीक है। और हाँ, मैंने इसका मंगाया है ग्रीन कलर वेरिएंट, ठीक है। तो शेट ब्रो, क्या लगता है ग्रीन वेरिएंट, अगर तुमको ठीक से कैप्चर कर पा रहा है तो ठीक है, वरना ब्रो दिस इज ग्लिसनिंग भाई, ग्लिसनिंग, यू गाइस गेट इट, इट इज ग्लिसनिंग ब्रो, वाओ। इसके ऊपर से स्क्रैच गार्ड तो आई थिंक दिया नहीं है, अच्छा वो थिंग आई थिंक उनको ही मिलता है, टेस्ट उसको ही मिलता है मुझे लगता है। तो ऐसे देखने में तो भाई फोन बहुत ही ज़्यादा सही लग रहा है, मतलब भाई पकड़ने में बिल्ड सॉलिड लग रहा है मेरे को। डुअल स्पीकर से हेडफोन जैक है भाई, हेडफोन जैक है यार, देख लो तुम, हेडफोन जैक भाई, डुअल स्पीकर्स हैं, टाइप सी टू टाइप, रुक जाओ, इसका नीचे सिम स्लॉट नीचे दिया गया है, वो देखेंगे कौन सा हाइब्रिड है कि क्या है। और यहाँ पे पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर्स दे दिए इन लोगों ने यहीं पे राइट साइड पे, और रुक जाओ उसको बाद में देखते हैं ये क्या है, इसमें कुछ है क्या, नहीं है मतलब, ठीक है ये उसके ऊपर। और हाँ, हमारे पास आ चुका है 44-45 वॉट का चार्जर एडेप्टर और या टाइप ए टू टाइप सी केबल, बस इतना ही है इस फोन कंटेंट के अंदर। गिर गया लगता है, कोई बात नहीं, सब शॉर्ट कर लूंगा मैं, ठीक है। आओ चलो फोन अब चालू करके देखते हैं कि क्या सीन है। गाइस देख रहे हो, चालू हो चुका है तुम्हारे भाई का फोन, Realme Android। जब चालू, ओ भाई क्या सही है, और साथ में देखते हैं भाई Realme, क्या बात है, साथ में देख रहे भाई हम दोनों। हेलो, अभी मैं थोड़ा सेटअप कर लेता हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है। इंग्लिश नेक्स्ट, ये
Oh shit, bro, what? Bro, what? नहीं चाहिए हमें आपका ऐप मार्केट गाइस. देखो एक सेकंड, अगर ये वॉलपेपर देखो यार तुम लोग, कितना से क्या आ गया, नहीं चाहिए. कितना सही वॉलपेपर है भाई, कितना सही वॉलपेपर है. ओके भाई, ओके 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 ओके. ओके भाई, कितना क्लीन लगता है भाई ये, कितना सही और क्लीन लग रहा है भाई ये OS. सही है भाई ये, बेसिकली आई थिंक सो Realme 5 है इसका OS, इसमें देखना पड़ेगा. तो कोई बात नहीं, देखो ब्लॉटवेयर्स तो है इसमें, काफ़ी सारी एप्स हैं. ये भी तुम डिसेबल कर सकते हो जो अपने आप पॉपअप हो रहा है की बोर्ड थी घर बार ड्रॉवर खोलने पर. काफ़ी सारी ब्लॉटवेयर एप्स है जो तुम इसे अनइंस्टॉल कर सकते हो और निकाल सकते हो, तो मैं वही करूँगा. एंड हाँ, बस यही था हमारा आज का अनबॉक्सिंग. थोड़ा अनयूजुअल और अनकन्वेंशनल था, पर फ़ोन आ चुका है ठीक है. तो इसमें मैं मतलब गेम्स खेलूँगा, स्ट्रीम भी इसी फ़ोन पर होगी, तो हमें इसका परफॉर्मेंस का भी रिव्यू मिल जाएगा और कैसा चलेगा ये फ़ोन हमें वो भी पता चल जाएगा. तो मिलते हैं हमें 7 डे यूज़ करने के बाद इसका प्रॉपर मतलब कैमरा. भाई कैमरा बहुत ही ज़्यादा दिया है, बड़ा दिया है, तो हम उसको देखेंगे कैसा सीन है, क्या सीन है. तो फिर देखते हैं क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, कैमरा में क्या रिजल्ट आता है वो तो पता चली जाएगा. 7 डे यूज होने के बाद हम चेक करेंगे क्या परफॉर्मेंस रिजल्ट्स है और गेमिंग में क्या इश्यू परफॉर्मेंस है, क्योंकि गेमिंग के लिए ये अभी बजट में 20,000 के अंदर. मैंने तो मैक्स वेरिएंट लिया है, 12 GB रैम और 256 GB का स्टोरेज ठीक है, पर 15,000 के अंदर तुम्हें इसका बेस वेरियंट मिल जाएगा जो है 6 GB रैम और 128 स्टोरेज का. अगर तुम 20,000 खरीद सकते हो तो प्लीज उसमें मत रहना, मैं तो बोलूंगा तुम मैक्स वाला ही ले लो, तुम्हारे लिए भी फायदा है और हमारे लिए भी फायदा है, मतलब एज अ गेमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा तो दोनों के लिए फायदा है. और हाँ, मैंने लिया है ग्रीन वेरिएंट, जो मुझे पहली बार मैंने कोई फोन जो ग्रीन लिया है और जेन्युइनली अच्छा लग रहा है ठीक है. तो कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी दिन आएगा जब मैं ग्रीन कलर का फोन लूंगा, पर भाई मैंने रेडमी के अंदर पर्पल गैलेक्सी लिया है तो फिर मैं तो कौन ही होता बोलने वाला. तो कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में. और हाँ, थोड़ा कैमरा इनबैलेंस है तो मुझे माफ कर देना, मुझे आदत नहीं है अनबॉक्सिंग करने की ठीक है, हमारा कंटेंट ही नहीं है, पर मैंने अपने एक दोस्त की वजह से बना दिया है. तो चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट गेमिंग स्ट्रीम के, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पीस.